हे सहेलिए प्यारे प्रभु दी सिफत सलाहदा गीत गाव्या मन विच खुशी दा रंग ढंग बन जाता है। उस कदे ना मरन वाले खसम प्रभु दा नाम सुनिया मन विच चाव पैदा हो जाता है। जदों वड्डी किस्मत नाल किसी जीव स्त्री दे मन विच परमात्मा पति दा प्यार पैदा होता है तदों ओ उतावली हो पैंदी है कि उस सारे गुणा दे मालक प्रभु पति नू कदों मिलिया जा सकेगा। उसनू अगों यह उत्तर मिलता है जे आत्मक अडोलता विच लीन रहिए तां परमात्मा पति मिल पैंदा है। ओ भागां वाली जीव स्त्री मुड़ मुड़ पुछदी है हे सहेलिए मैनू मत दे कि किस तरीके नाल प्रभु पति मिल सकता है। हे सहेलिए दस मैं दिन रात खलोती तेरी सेवा करांगी। नानक जी भी बेनती करते हैं हे प्रभु मेरे उत्ते मेहर कर मैनू अपने लड़ नाल लाई रख। हे भाई परमात्मा का नाम कीमती रतन है। जिहड़ा मनुख यह हरि नाम विहांजदा है उसके अंदर धीरज पैदा हो जाती है। पर यह नाम रतन कोई विरला खोज करने वाला मनुख पाल करके संत जना पासों ही हासिल करता है। जिस वडभागी मनुख नू प्यारे संत जन मिल पैंदे हन उही मेहर करके उसनू अकथ प्रभु दियां सिफत सलाह दियां गल्लां सुनांदे हन। हे भाई संत जना दी संगत विच रह के सुरत जोड़ के मन ला के प्रभु चरणा नाल प्यार पा के परमात्मा दा नाम सिमरिया कर प्रभु दे दर ते दोवें हथ जोड़ के अरदास करिया कर। जिहड़ा मनुख नित अरदास करदा रहिंदा है उसनू मनुखा जीवन दी खट्टी वजो परमात्मा दी सिफत सलाह दी दात मिलदी है। यह अपहुंच ते अथाह प्रभु नानक जी तेरे दर ते बेनती करदे हन मैं तेरा दास हाँ तू मेरा मालक है मैनू अपनी सिफत सलाह दी दात बख्श। कुड़ी मुंडे दे व्याह दा मुहूर्त मिथ्या जांदा है लाड़े दे नाल जंजी आउंदे हन लड़की वालियां दे घर ढुकदे हन। लड़की दे संबंधियां दे मन विच उस वेले खुशी हुंदी है। जंजियां नू ओह कई स्वादले भोजन खवांदे हन पांदा लावां पड़ के लड़के लड़की दा मेल करा देंदा है। इसे तरह साध संगत दी बरकत नाल जीव स्त्री अते प्रभु पति दे मिलाप दा कदे ना खुंझन वाला मुहूर्त सोध्या जांदा है। साध संगत दी कृपा नाल जीव स्त्री दा पूर्ण परमात्मा नाल मिलाप व्याह हो जांदा है। जीव स्त्री दे हिरदे विच सारे सुख आ वसदे हन प्रभु पति नालों उसदा विछोड़ा मुक जांदा है। संत जन मिल के साध संगत विच आउंदे हन प्रभु दी सिफत सलाह करदे हन। जीव स्त्री नू प्रभु पति नाल मिलान वास्ते ये सतसंगी असरज जंजी बन जाते हैं। संत जन मिलके साध संगत विच इकट्ठे होंदे हन आत्मक अडोलता विच टिकदे हन मानो लड़की वालियां दे घर टकाओ हो रहा है जिमें लड़की दे संबंधियां दे मन विच चाओ पैदा होंदा है तिवें जिंदे साथियां दे मन विच सारे ज्ञान इंद्रियां दे अंदर उत्साह पैदा होंदा है। साध संगत दे प्रताप नाल जीव स्त्री दी जिंद प्रभु दी जोत विच मिलके ताने भेटे वांग एकमिक हो जांदी है जिवें जांजियां मांजियां नू सारे सुआदले भोजन छकाए जांदे हन तिवें जीव स्त्री नू परमात्मा दा नाम भोजन प्राप्त होंदा है। नानक जी बेनती करदे हन इह सारी गुरु दी ही मेहर है। गुरु संत ने शरण पई सारी लुकाई नू सारे जगत दा मूल सबना ताकतां दा मालक परमात्मा मिलाया है। जिहड़ी जीव स्त्री गुरु दी चरनी लगदी है उसदे हिरदे घर विच प्रभु पति आ बैठदा है। उसदा शरीर पवन सोहणा हो जांदा है उसदी हिरदा धरती भागां वाली बन जांदी है। जिहड़ी जीव स्त्री गुरु दी चरनी लगदी है ਉਹ ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ
सारियां इच्छा पूरियां हो जांदियां हन। साध संगत दी चरण धूड़ ते प्रताप नाल उसके अंदरों ममता वधाण वाली आस खत्म हो जाती है। उसनू चिरां दे विछड़े हुए प्रभु कंत जी मिल पैंदे हन। नानक जी बेनती करते हैं, गुरु की चरणी लगी हुई जीव इसत्री दे अंदर हर वेले आत्मक आनंद दे वाजे वाजदे रहिंदे हन, जिसका सदका वह अपने मन की होमे वाली मत त्याग देंदी है। साध संगत विच रह के उसकी सुरत मालक प्रभु विच लगी रहिंदी है। वह जीव इसत्री मालक प्रभु की शरण पई रहिंदी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।